नमस्कार दोस्तों, सी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, साथ ही फिजिक्स पढ़ाता हूं, इसलिए आज दोस्तों फिजिक्स का चैप्टर लेकर आया हूं। इसमें दोस्तों चर्चा करने वाला हूं आवेशों का वितरण। इसके पहले मैंने परावैद्युतांक पढ़ाया है और उसके बाद पहले भी तीन वीडियो मैंने डाला है आवेश का, क्वांटीकरण, कूलाम का नियम और बेसिक कुछ चीजें हैं, तो उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं आवेशों का वितरण। तो आवेशों का वितरण तीन प्रकार से देखेंगे दोस्तों, एक सरल रेखा पर, एक पृष्ठ पर और एक आयतन पर। तो रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, इन तीन चीजों को समझेंगे दोस्तों और साथ में कोशिश करेंगे कि साथ ही साथ याद भी हो जाए। ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान है, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे क्या हो सके दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आवेश का वितरण। दोस्तों आवेशों का वितरण हमको चर्चा करना है, आवेशों का वितरण क्या चर्चा करना है दोस्तों, आवेशों का वितरण। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को आवेशों का वितरण। मेरे यदि वीडियो क्लीन ना आए दोस्तों तो आवाज पर ध्यान दीजिएगा, मैं कह क्या रहा हूं उसके आधार पर आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको पहला डालना है, यदि आपको लिखना है आवेशों का वितरण तो आपको लिख लेना है कि आवेशों का वितरण तीन प्रकार से होता है। तो पहला नंबर लिखना है आपको रैखिक आवेश घनत्व, यानी रेखीय क्षेत्र पर आवेश का वितरण करेंगे तब रैखिक आवेश घनत्व क्या कहलाता है, इसकी बात या इसकी चर्चा करेंगे। रैखिक आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व, दोस्तों वितरण कर रहे हैं अब रेखा पर, आवेश का वितरण क्या कर रहे हैं, रेखा पर, रेखा पर वितरण करेंगे। तो दोस्तों एक रेखा है, समझिए एक ये लाइन या रेखा है, इस पर हम आवेश का वितरण कर रहे हैं, इस पर क्या कर रहे हैं आवेश का वितरण। अब इसकी लंबाई यदि एकांक हो, क्या हो, एकांक हो, एकांक मतलब एक निश्चित, एकांक मतलब एक होता है लेकिन निश्चित हो, लंबाई क्या हो, निश्चित हो। तो दोस्तों अब हम इसकी परिभाषा लिखने वाले हैं, तो आप अपने कॉपी पेन में लिख लेंगे, पहले आपको समझना है। मैंने क्या बताया, आवेश का वितरण करना है किस पर, एकांक लंबाई पर, किस पर, एकांक लंबाई पर। तो उस पर जो आवेश होगा तो वही क्या कहलाएगा, आवेश घनत्व। घनत्व क्या कहलाता है दोस्तों, एकांक क्षेत्र पर उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा। घनत्व का सूत्र आप लोगों को पता होगा, क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। d बराबर होता है m अपान v, m क्या है मास है, v क्या है वैल्यू है, d है डेंसिटी। तो घनत्व बराबर होता है दोस्तों मास अपान वैल्यूम, ठीक है, आयतन। तो दोस्तों अब आपको समझना है, क्या हम चर्चा करने वाले हैं, आवेश का वितरण तीन प्रकार से करेंगे, रेखी पर, पृष्ठ पर मतलब किसी सरल रेखा पर, पृष्ठ पर और आयतन पर। तो हम अब इससे चर्चा करने वाले रैखिक आवेश घनत्व, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसकी सारी कहानी मैं बताने वाला हूं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो रैखिक आवेश घनत्व तो क्या होता है दोस्तों, मैंने क्या बताया, जब आवेश का वितरण, देखिए लिखना है, बढ़िया लिखना है, आपको चिंता नहीं करना है, आप बस याद करें, जब आवेश का वितरण एक सरल रेखा पर हो रहा हो, कहां पर हो रहा हो, एक सरल रेखा पर हो रहा हो, जब आवेश का वितरण कहां हो रहा हो, एक सरल रेखा पर हो रहा हो, तो एकांक लंबाई, रेखा के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है दोस्तों, रैखिक आवेश घनत्व। बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, क्योंकि आवेश का वितरण हम कहां कर रहे हैं, आवेश का वितरण कहां कर रहे हैं, एक रेखा पर कर रहे हैं, आवेश का वितरण कहां कर रहे हैं, एक रेखा पर कर रहे हैं, तो एकांक लंबाई पर उपस्थित ही आवेश की मात्रा क्या होगी, रैखिक आवेश घनत्व होगी दोस्तों। आप समझिए पुनः मैं क्या कहना चाहता हूं, परिभाषा एक से दो बार सुनिए, समझिए, बैक करके वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, जब आवेश का वितरण किसी सरल रेखा पर हो रहा हो, आवेश का वितरण कहां हो रहा हो, सरल रेखा पर हो रहा हो, तो रेखा के एकांक लंबाई, एकांक मतलब निश्चित, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही दोस्तों क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, रैखिक आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व। समझ में आ रहा है आपको, मैंने क्या बोला कि जब आवेश का वितरण किस पर, सरल रेखा पर हो रहा हो, या लंबाई है, एकांक लंबाई है, उस पर आवेश की वितरण हो रहा हो, तब उस पर यानी एकांक लंबाई पर, किस पर, सरल रेखा के एकांक लंबाई पर या रेखा के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं दोस्तों, रैखिक आवेश घनत्व। इतना आपने लिख लिया दोस्तों परिभाषा, आई होप, मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा दोस्तों, मैंने कहा एकांक लंबाई है आपके पास, एकांक लंबाई है, इस पर आवेश उपस्थित है,
ठीक है, तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती, रैखिक आवेश घनत्व। अब दोस्तों लिखना है, माना एकांक लंबाई एल, माना किसी रेखा की एकांक लंबाई एल, आप लिखिए नीचे, माना किसी रेखा की एकांक लंबाई एल तथा उस पर उपस्थित आवेश क्यू हो, तो लैम्डा बराबर, लैम्डा को किससे दर्श, मतलब लैम्डा किस, लैम्डा क्या है दोस्तों, रैखिक आवेश घनत्व है, यानी रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से दर्शाते हैं, लैम्डा बराबर क्यू अपान एल। अब देखिए सूत्र से भी परिभाषा कैसे निकालना है, सूत्र से भी परिभाषा एल है, यल पर उपस्थित है आवेश, तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती दोस्तों, रैखिक आवेश घनत्व। सिंपल सा है दोस्तों, आपको कठिन नहीं लगेगा, बस आप समझने की कोशिश करेंगे। एकांक जब भी कभी नीचे दिया हो, कुछ भी वैल्यूम हो, पृष्ठ हो, आयतन हो, लंबाई हो, आवेश हो, जो भी उसको एकांक मान लो, और उस पर ऊपर जो दिया हो वो उपस्थित होगा, वह इसका डेंसिटी या घनत्व कहलाएगा, और उसी के आधार पर परिभाषा बना देंगे हम। तो हमने क्या बताया, जब आवेश का वितरण किसी सरल रेखा पर हो रही हो या किसी चालक तार पर हो रही हो, वो सरल रेखा कहलाती है चालक तार। तो जब आवेश का वितरण एक तार पर हो रही हो जो रेखीय हो, ठीक है, अब उस रेखीय तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही दोस्तों रैखिक आवेश घनत्व कहलाती है। इतना आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब इसको दोस्तों आपको क्या लिखना है, इसका यदि हम बताएं क्या मात्रक, मात्रक तो कैसे निकालेंगे, मात्रक कैसे निकालेंगे, आवेश का क्या होता है दोस्तों, कूलाम, आवेश का कूलाम, और लंबाई का होता है दोस्तों मीटर, लंबाई का क्या होता है मीटर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। ये हो गया दोस्तों मात्रक हो गया। विमीय सूत्र में अगले वीडियो में बता दूंगा दोस्तों इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो आपने आज क्या देखा कि रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है दोस्तों, तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, जब आवेश का वितरण किसी सरल रेखा पर हो रही हो तो सरल रेखा के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही रैखिक आवेश घनत्व कहलाती है दोस्तों। माना माना सरल रेखा की लंबाई स्मॉल एल तथा उस पर उपस्थित आवेश क्यू, तब रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा क्यू अपान एल, मात्रक हो जाएगा आवेश का मात्रक कूलाम, और ये हो जाएगा लंबाई का मीटर। दोस्तों यदि और आगे लिखना, यदि रेखा की अल्प लंबाई dl हो, यदि रेखा की अल्प लंबाई dl और उस पर उपस्थित अल्प आवेश dq हो, तो लैम्डा बराबर dq अपॉन dl भी कर सकते हैं, ये गलत नहीं कहलाएगा दोस्तों, ठीक है ना। किसी किसी बुक में ये चीजें मिलती है, किसी बुक में वो चीजें मिलती है। तो दोस्तों इतना समझ में आया दोस्तों, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम, इसलिए आज वीडियो यहीं पर अंत करते हैं, क्योंकि थोड़ा आपको क्लीन दिखता भी नहीं होगा, इसलिए अगले वीडियो में हम चर्चा कर देंगे रैखिक, सॉरी पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो एक वीडियो रहेगा जिसमें हम पृष्ठीय और आयतन दोनों आवेश घनत्व समझा देंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल यदि पसंद हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।